ये स्टेशन है, मतलब कितना टूटा हुआ देखो। यहाँ का स्टूडेंट है 2008। ओके, स्टूडेंट होके फिर आप जॉब किए इधर? हाँ, ये मेरा बड़ा सा भाग्य है। कलेक्टर साहब की स्टेटमेंट के बाद ये सब स्टार्ट हुआ, तो जल्दी ये सब टूट फूट नया बनाना का ऑर्डर दिया गया। आपका नाम मैम? स्मेल आ रहा है थोड़ा, कैसा? सॉरी, ये जो काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, मतलब मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये स्कूल में ना ये सब रखा गया था। न्यूज हो गया भाई, हो गया भाई, लोग आए थे हम लोग के चैनल जो ओडिशा से है, ओटीवी का रिपोर्टर हूं मैं। हाँ, तो ये तो पूरा टूट गया आपका, फिर नया बनेगा 5T। मतलब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ये, हाँ, ये तोड़ के नया स्कूल बनाएंगे। यहाँ सब में लाश भरा था, मतलब पूरा जो ट्रेन एक्सीडेंट में जो लाश आया था पूरा तोड़ दिए इसको। और इसको उनके कोई रिश्तेदार भी गुजर गए हैं, ओके, तो उनकी खातिर ही उनकी मेमोरीज में ये कुछ पेड़ भी यहाँ लगाने आए थे। मैं तो टीचर हूँ, ओके, जो ये जो हो गया है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये तो बहुत मतलब पेनफुल है, बहुत, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारी मतलब आंखों में भी आंसू आया है पूरा। फिर भी ये जो हादसा हो गया है, कुछ जानकारी हमारी जिंदगी में भी चाहिए। ये वाला स्कूल देख रहे हो, यहाँ पे जो एक्चुअली ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था ना, यहाँ पे देखो ये अभी भी ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे हेलीपैड उतरा था यहाँ पे, तो ये देख सकते हो ये मार्क। और एक्चुअली यहाँ पे ही ये स्कूल में ना ये सब रखा गया था, जो जितने भी वो एक्सीडेंट में जितने भी लाश थे यहाँ पे ला के रखे थे। बोलो, ये स्कूल को क्या किया जाएगा, बोलो उसके। अभी तोड़ा जाएगा, मतलब यहाँ का जो वॉचमैन है वो बोल रहा था कि मतलब डर रहा है यहाँ पे, कि भूत निकल रहा है, कि ये वो बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता। लेकिन वो बोल रहा है तो ये स्कूल मतलब पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि हमारा बच्चे पढ़ेंगे तो फिर उनको क्या मतलब दिमाग में रहेगा, और शायद कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है उसको लेके मेंटली साइकोलॉजिकली। गवर्नमेंट में मतलब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ये, हाँ, ये तोड़ के नया स्कूल बनाएंगे यहाँ पे, एक अच्छा मतलब लेवल का स्कूल बनाएंगे इसको। ये वाला तोड़े हैं, यहाँ पे सब लाख लगा रखा गया था, यहाँ पे लाख निकाल चुके हैं सब, सारा निकलेगा अभी। मैं मतलब जितने भी बड़ा स्कूल है सब निकलेगा, आज शायद काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं, ये साइड भी निकलेगा क्या? वो साइड सब सब टोटल, ओके। ये देखो ये निकाल दिए हैं, हाँ भाई, जितने भी रूम थे यहाँ पे, मतलब हाँ ये वाला शायद नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, जितने सब में लाश भरा था, मतलब पूरा जो ट्रेन एक्सीडेंट में जो लाश आया था, हाँ तभी ये तोड़ चुके हैं, अभी शायद ये वाले तोड़ेंगे अभी। देखो ये तोड़ा गया है, ये उधर देख सकते हो आप, ये तोड़ गया है, पूरा तोड़ दिए इसको, और इसको पूरा बनेगा, मतलब एक दूसरे बार इसको अच्छा वाला। मतलब ये काम हुआ था, मतलब रिसेंट 5T का जो काम होता है ना वो रिसेंट हुआ था, हाँ। लेकिन अभी जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे, तो हाँ। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि ये तोड़ के नया वाला बनाएंगे। कोई NGO की तरफ से आया हो क्या? आप इधर से हो क्या? नहीं, मैं पूरी से। आप ओरिया हो आप? ओके ओके, तो मतलब ये क्या हो रहा है एक्चुअली इधर? वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं क्या? श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये कोई NGO ग्रुप है? हाँ, कोलकाता से आए हैं। कोलकाता मेदिनीपुर से आए हैं। ओके ओके, और ये श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, मतलब इनके कोई रिश्तेदार भी गुजर गए हैं, ओके, तो उनकी खातिर ही उनकी मेमोरीज में ये कुछ पेड़ भी यहाँ लगाने आए थे। ओके ओके, बस ऐसे ही कोई श्रद्धांजलि सभा कर मतलब कर रहे हैं। ओके ओके, आप भी उसी के लिए आए हो क्या, या आप क्यों आए हो इधर? मतलब नहीं, मैं बस कुछ जानकारी लेना था। ओके ओके, अब मीडिया से हो क्या? दुखद ही है। ओके, नहीं मैं तो टीचर हूँ। ओके, जो ये जो हो गया है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये तो बहुत मतलब पेनफुल है, बहुत, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारी मतलब आंखों में भी आंसू आया है पूरा। फिर भी ये जो हादसा हो गया है, कुछ जानकारी हमारी जिंदगी में भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो ये सब प्रत्यक्ष रूप में हम मतलब एक्सपीरियंस में ले सके, इसलिए हम यहाँ आए। ओके ओके, ये तो आपको पता होगा ये स्कूल तोड़ दिए हैं। ये मतलब मैं आज दिन भर मैं यहाँ हूँ, मतलब दोपहर से लगभग 3-4 घंटा मैं यहाँ हूँ। सब कुछ मतलब किससे हुआ, किससे डेड बेड रखे थे, वो सबके जानकारी मैंने ले लिया है। ये जो सारे आप देख रहे हैं, यहाँ डेड बेड रखा हुआ था पूरा इधर, जो ये डिमोलिशन शुरू हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये सारे के सारे तोड़े जाएंगे और यहाँ नया बिल्डिंग भी बनेगा। हाँ, स्कूल अच्छा, मतलब वो जो पांडियन है वो कुछ दिए हैं स्टेटमेंट, एक बहुत अच्छा स्कूल बनेगा।
मतलब जो इनिशिएटिव हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो मोदी सरकार चल रही है बहुत अच्छा होता है वो। तो क्या होता है ना, वो जो पुराने वाले जो स्कूल थे ना वो नए रूप से मॉडिफाइड हो जाए हो रहा है और बच्चे भी बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टेड होते हैं बस नई सुविधा में पढ़ाई करने के लिए। ये जो डिमोलिशन होने के बाद भी तो मोदी सरकार के इनिशिएटिव में ये नया बिल्डिंग हो जाए। सही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? सौम्य प्रकाश गजेंद्र। आप मतलब टीचर है हाई स्कूल या यूपी स्कूल? मैं माइनर स्कूल में हूँ। ओके। ये मतलब सेवेंथ तक है जो? सेवेंथ तक है। ओके ओके। आप कहाँ से हैं? मैं इधर से ही हूँ, उड़ीसा ही मेरा घर है। अच्छा। और मैं उड़िया हूँ बट ये हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि सबको यूट्यूब चैनल है। हाँ हाँ अच्छा। ठीक है। नाम क्या है? पिंटू देसी ब्लॉगर। ठीक है, धन्यवाद जी। आप अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा एक टीचर से मिलके और आप भी आए हो ये देखने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हमारी हमारी स्टेट की हाँ। और एक भैया जो YouTube चैनल में मेहनत कर रहे हैं हाँ। वो जो इंसिडेंट हुआ है हाँ। आपने खुद के काम छोड़ के आप भी आए हैं हाँ। जो शूट कर रहे हैं ये भी दिखाना चाहते हैं, सबको ही देखना चाहता है कि क्या हो रहा है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से ये बहुत प्रशंसा की बात है। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। तो हम लोग के उड़ीसा के मीडिया चैनल भी है तो यहाँ पे आके पहुँच चुके हैं और ये जो कोलकाता से आए हैं लोग सो उनके साथ बात करेंगे और ये पूरा डिटेल्स आप देख सकते हो। ये जो OTV है हमारा उड़ीसा का चैनल है। तो ये आए हैं हम लोग एक्चुअली जहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था ना इसके पीछे, ये वाला हम लोग उस दिन नहीं आए थे और उसके पीछे हम लोग वहाँ पे थे। और ये वाला भाई स्मेल आ रहा है थोड़ा कैसा ये देखो ये वाला बग्गी पास में जा सकते हैं ना? जा सकते हैं क्या? यहाँ पे भी सब कोई देखने के लिए आए हैं। देखो हम लोग अंदर नहीं जा सकते उधर। सॉरी हाँ हाँ वो पूरा अभी ये उधर हम लोग जाने वाले थे उधर देखने के लिए पास से बट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन में भी वहाँ पे बैठे हैं आप देख सकते हो कुछ पुलिस वाले तो उधर जाने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं सकते हाँ नहीं जा सकते मना कर दिए। तो हम अभी आपको दूर से दिखा रहे हैं ये वाला बोगी अभी भी है तो उसका काम चल रहा है साइड में देखो और नीचे गिरा है। हाँ नीचे में गिरा है। कितना स्मेल कर रहा है मतलब अभी भी मुझे लगता है कि वहाँ पे लोग हो सकते हैं। ये सब पूरा क्या स्मेल कर रहा है यार? न्यूज में तो दिखाया गया है कि अंडा मतलब जो अंडा सड़के वो स्मेल होता है ना वो अंडा, लेकिन ये तो लगता है अंडा नहीं क्योंकि यहाँ पे जो पूछ रहे थे हम मतलब लोकल लोग से कि अभी तक वो बोगी में लोग हैं पता नहीं लेकिन बहुत गंदा स्मेल कर रहा है। लेकिन बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। ये जो काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं मतलब मानना पड़ेगा। आपका न्यूज हो गया? ये मेरा भाई है बिट्टू भाई। हेलो बिट्टू भाई, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। आपके न्यूज के लिए हो गया? OTV का रिपोर्टर हूँ मैं। हाँ आपका नाम भैया? निरंजन। निरंजन भैया है कांग्रेस का नेता है ना निरंजन? हाँ। निरंजन रेड्डी ने निरंजन पटना है वो निरंजन पटना है वो निरंजन बेहरा ओके का है। हाँ हाँ ये पूरा आप रिपोर्टिंग किए थे स्टार्टिंग से? अभी तो नहीं छोड़ रहे हैं उधर जाने के लिए ना? प्रॉब्लम तो थोड़ा है CBI इंक्वायरी कर रहा है ना। हाँ इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्या? हम लोग गए थे वो दूर से देखे फिर अंदर जाने के लिए नहीं गए। ये कोई लगी तो आगे नन्ना तुम आरंभ कले नन्ना कहले दीदी भी कहले हाँ आमको भी आम तो आसमी कहले मुझे आसमी पाठ पढ़े। मैम आप टीचर हो क्या? मतलब स्कूल में मतलब गांव के? हाँ हाँ ऐसे मैनेजिंग। तो ये तो पूरा टूट गया आपका फिर नया बनेगा 5T इसका नाम रखेगा भुत्तो कुट्टी। ये मैम टीचर हैं क्या आप इधर? तो ये आपका तो टूट गया पूरा फिर बड़ा पुराना सा हॉल है। ओके ओके तो ये मेमोरी भी चला गया। आप भी पढ़े थे क्या इधर? यहाँ हाँ यहाँ का स्टूडेंट है। ओके आप यहाँ का स्टूडेंट है 2008। ओके स्टूडेंट होके फिर आप जॉब किए इधर? हाँ ये मेरा बड़ा सा भाग्य है। हाँ अच्छा है ना। यस
सही। तो ये मैं ये एक्चुअली मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है, मैं भी उड़ीसा से हूँ बट मैं हिंदी में करता हूँ क्योंकि सबको पता चले ना, तो मैं लेकिन उड़िया हूँ। एक्चुअली मैं जब हाँ से तो मु सब भाषा कह तो ये भारी बढ़िया। हम भी हम ओरिया सब लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो ये कब हुआ मैम ये टूटना? ये टूटना कल का न्यूज़, कल का न्यूज़ है ना, कल ही आया था न्यूज़ में कलेक्टर साहब की स्टेटमेंट के बाद ये सब स्टार्ट हुआ। तो जल्दी ये सब टूट फूट नया बनाना का ऑर्डर दिया गया है, फिर स्टार्ट हो जाएगा नया बनाना। युद्ध काल जो हम बोलते हैं युद्ध काल जल्दी ही बनाना शुरू जरूरी है। वैकेशन कंप्लीट हो जाएगा 7 दिन के बाद, इसीलिए हाईएस्ट स्टूडेंट से पढ़ाई कर रहे हैं तो बड़ा टेंशन का मामला। तो ये स्कूल मतलब जब खुलेगा उससे पहले ये बन के तैयार हो जाना चाहिए ना, ऐसा कुछ है क्या? नहीं तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अभी दिया गया आपका नाम मैम? स्मृति रेखा पांडे। ओके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो अभी तो हम लोग बात किए, ये जो इधर के मैम थे ना, इधर के मैम थे और इनसे पूरा बात किया हम लोग और ये सिचुएशन पूरा देख रहे हैं। अभी तो छोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, मतलब अंदर वहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि नहीं छोड़ रहे हैं। और ये स्कूल का तो हाँ भगा दिया, और ये स्कूल तो ऐसे देखे आप टूट गया पूरा। तो ठीक है गाइज, फिर ये हम ब्लॉग का ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय।